देखना ये अच्छे दिन आएंगे कांग्रेस के, ये जितने लोग गए हैं, नाम नहीं लेना चाहता मैं, आपके नागौर में कई लोग गए हैं, ये जितने लोग गए ना ये लाइन लगाएंगे वहां पर, हाथ जोड़ेंगे ना हमें जल्दी वापस। कांग्रेस पार्टी अंत में यही करना चाहूंगा, गोविंद मेघवाल जी भाषण वो नीचे मिल रहे हैं, जो आर एल पी के साथी आए बीकानेर से उनसे मिल रहे हैं, मैं अपील करूंगा कि उनको ही आप भारी बहुमत से कामयाब करें, पड़ोस में आपने बीकानेर है, इधर जोधपुर है, करण जी उछेड़ा खड़े वहाँ पर, सगीता बनीवाल खड़ी है पाली से, उम्मीदवार भी खड़े हैं बाड़मेर से, मैं अभी जैसलमेर से आया हूँ उनकी मीटिंग करके आया हूँ, मैं जरूर गरुण खड़े हैं जरूर शुरू से, जहाँ का बस चले, जहाँ का बस चले पूरे मारवाड़ के अंदर आप लोग, और रामचंद्र चौधरी खड़े हैं अजमेर से, कॉम्रेड खड़े हैं वहाँ से, अमराम सीकर से वहाँ जा रहा हूँ मैं, कृपा करके जहाँ का बस चले एक एक वोट जो आपके मिलने वाले हो, रिश्तेदार हो, फोन करो बताओ उनको, हालात बड़े गंभीर देश के अंदर चिंताजनक है और माहौल हमारे पक्ष में है, इतनी शताब्दी में जल्दी नहीं कह सकता, पर पब्लिक इतनी समझदार है देश की, आपको याद होगा उत्तर भारत में इंद्रजी चुनाव हार गई थी, जो महान नेता थे, बांग्लादेश बना दिया, पाकिस्तान दो टुकड़े कर दिए, मैंने भी कहा आपको खालिस्तान ने मैंने दिया, वो चुनाव हार गई थी, उत्तर भारत में एक चीज जीती थी वो चीज नागौर की नाथुराम मिर्जा उसे जीती थी, आप बताइए कितनी समझदारी की बात थी, उत्तर भारत में साफ हो गई कांग्रेस और नागौर की जनता ने नाथू बाबा को कामयाब किया, और नाथू बाबा की पुत्री जो है उनकी आत्मा को कष्ट पहुंचा रही है स्वर्ग के अंदर, नाथू बाबा की पुत्री कष्ट पहुंचा रही है नाथू बाबा को कि भाई ये मेरी पुत्री ने क्या कबाड़ा कर दिया, कहां चली गई वो, कहां चली गई है, तो आप छोड़ वो मेरे भी आरोप लगाती है, पता नहीं झूठ मूठ आरोप लगाती रहती है, तो मैं कहना चाहूंगा आपको मजबूत रहो, इस देश में किसानों की पार्टी है, मजदूरों की है, गरीबों की है, दलितों की है, पिछड़ों की है, माइनॉरिटी की है, गरीब किसी कौम का हो उस पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है, गठबंधन है आर एल पी का, कांग्रेस सीपीएम बाप सब मिलकर के इस बार राजस्थान में अच्छे परिणाम लाए थी, और अंडरकरण चलता है पब्लिक का, जैसे मैंने कहा उत्तर भारत में साफ हुई कांग्रेस, वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर फील गुड हो रहा था, और आप देखा नहीं आपने इंडिया साइनिंग, इंडिया चमक रहा है, सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री, पता नहीं लगा भारतीय गवर्नमेंट चली गई, किसी को यकीन नहीं हो रहा था, और खुद नहीं बनी प्राइम मिनिस्टर सोनिया गांधी जी, कौन मने मनमोहन सिंह ने बनाया है प्राइम मिनिस्टर, इस परिवार का वो त्याग है, 30 साल से गांधी परिवार कोई व्यक्ति कोई पद पे नहीं है, ना प्राइम मिनिस्टर, ना केंद्रीय मंत्री, ना कोई पद पे, खाली कांग्रेस का जो है कुनबा पूरे देश के अंदर वो जुड़ा हुआ है गांधी परिवार से, क्योंकि उनके त्याग है, बलिदान है, बलिदान 10 साल जिलम बंद रहे थे आजादी के पहले, 10 साल से बंद रहे, किसे कहते हैं,